कौन से रनअवे? भाई ये है अपना वही पुराना नियान बोर्ड का जंगल। जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद नियान ज्यादा नाम नहीं कमा पाया है, फिर भी वो दिन रात मेहनत करता रहता है और अभी तक उसका एक भी काम ऐसा नहीं है जो उसके नाम को चमका दे। आइए आराम से बैठ जाइए, सर मैं टीवी ऑन करती हूँ। दोस्तों इन मशहूर लोगों की पोजीशन जानने का वक्त आ गया है। हाँ आखिर क्या है ये साम? रुक जाइए सर, मुझे यकीन है आपका नाम इस लिस्ट में है। सबसे आगे है हमारा नकाबपोश हीरो निएंडर। क्या ये कैसे हो गया? बंद करो इसे, मुझे ये नहीं देखना। आज निएंडर ने पूरे शहर में सफाई की है इसलिए सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। सफाई निएंडर ने नहीं की बल्कि सर ने की थी, सर टीवी बंद कर देने में ही भलाई है। अच्छा होगा, गलती सब मेरी है, माफ कर दीजिए। असली बात यह है कि मैं सबको कल के बारे में बता रही थी। तुम क्या कहना चाहती हो? जी जी वो कल जब हम जा रहे थे। startchainsindia.blogspot.in सर आप गिर कैसे गए? इस कचरे की तो मैं पापा क्या निशाना है? ओ वो वाली बात, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, सबको गिरने के बारे में बता दिया, मैं तो समझ ही नहीं पाया था। नियंजन ने नहीं नियोन सर ने सफाई की है। नियोन ने? हाँ हाँ नियोन सर ने शहर की सफाई की है, निएंडर ने नहीं की है। मैं समझ गया, पर ये बात किसी से कहना नहीं। पर ये बात किसी को मत बताना। यही तो मैं चाहती थी, इस तरह एक एक करके सारे बच्चों को ये बात पता चल गई होगी, पर पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गई। ओ कान तुमने ये क्या किया? क्या तुम ये नहीं जानती कि एक कान से दूसरे कान तक पहुँचते पहुँचते बात क्या हो जाती है? हैंको ने आज कद्दू खाया था। हैंको ने कद्दू आज खाया था? हैंको ने आज भी कद्दू खाया। हैंको ने भी आज कद्दू खाया। मालूम है कद्दू ने आज हैंको को खा लिया। तो आप समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था? जो मैं चाहता था उसका उल्टा ही हो गया। कौन? माफ कर दीजिए सर। ये कहने से कुछ नहीं होगा, मैं चाहता हूँ कि शहर में मैं मशहूर हो जाऊँ और उल्टा तुम ये चाहती हो कि मेरा नाम बदनाम हो जाए। ऐसा नहीं चाहती सर। हाँ मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। सॉरी सर। झूठ बोलना पाप है। मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? अच्छा मैं चली। निको तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? पता है कि मेरे बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पर काम चला लेना। निको जा रही है? निको जा रही है? अच्छा है, वैसे भी वो मुझे बहुत तंग करती है। कौन कहाँ हो? कौन? ओ क्या ये कोई नए ब्रांड का हेल्थ ड्रिंक है? कौन अभी तक सो रही हो क्या? ओहो ये ओपनर कहाँ है? आखिर कहाँ है ये ओपनर? कहाँ रख दिया इसे? ओ कौन कौन तुम क्या दिन भर सोती रहोगी? ओ कौन कहाँ है मेरा नाश्ता और कॉर्नफ्लेक्स कहाँ है? मुझे भूख लगी है। ये कौन? ये आखिर बेवकूफ कहाँ चली गई है? मैं यहाँ शहर में मशहूर होना चाहता हूँ और मुझे नाश्ता तक नहीं मिल रहा। कहाँ है मेरा कॉर्नफ्लेक्स? कहाँ है मेरा जूस? कहाँ है? आखिर ये कौन बिना बताए कहाँ चली गई? कौन? मैं शहर में मशहूर होना चाहता हूँ, तुम अपने अंदर झांको। कौन ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाली नहीं है। देखो कौन कितना मजा आ रहा है। ओहो वो तो यहाँ पे है ही नहीं। मेरा मन तो नहीं कर रहा पर मुझे नहा लेना चाहिए, पर अब मैं ठंडे पानी से कैसे नहाऊं? अब सारा किचन तुम्हारी बारी है। बहुत दिन हो गए कौन हमसे यहाँ पे मिलने नहीं आए। पता नहीं उसे क्या हो गया। नियोन देखो तो लगता है वहाँ नियोन है। नहीं गिनको मैडम, आपको लगता है कोई गलत फहमी हुई है, नियोन यहाँ क्यों आएंगे? हाँ क्यों नहीं आओ ना। अच्छा हुआ तुम आ गए। कैसी है हमारी प्यारी सहेली कौन?
यही तो पता लगाना है। हाँ है? कुछ गड़बड़ है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कौन हम सबको छोड़कर यहाँ से चली गई? अरे क्या करूँ, कितनी बुद्धू है हमारी कौन। पता नहीं तुमने ऐसा क्या कह दिया जो उस बेचारी को मजबूर होकर घर छोड़कर जाना पड़ा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं हो तो अच्छा है, पर हमेशा बुरी खबरों के लिए तैयार रहना चाहिए। और नहीं, क्या बुरी खबर हो सकती है? नहीं नहीं नियोन, मैं अपने मुंह से वो बात नहीं कह सकती। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर कौन के कहीं कोई खबर मिले तो मुझे भी जरूर बता देना। बहुत अच्छे नियोन, से ऐसी बातें करना बहुत जरूरी था, वरना उसे कभी सबक नहीं मिलता। पर मैडम, जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हाँ, सब कुछ हमेशा अच्छा हो जरूरी नहीं है सारा किची। उम्मीद करती हूँ कि कौन जहाँ भी होगी ठीक होगी। ये बहुत अच्छा खेल है, पर मैं इसके बारे क्या समझ नहीं पा रही। पर ये खेल तो बहुत आसान है। पर ना मैं इस खेल को समझ पा रही हूँ ना अपने काम को। खेल हो या काम, पहले ये समझ लो कि सामने वाला क्या चाहता है। हाँ, तभी आप इस खेल में इतने माहिर हैं और जिंदगी में भी इतने खुश हैं। हाँ, यही समझ लो। और कहाँ चली गई वो बेवकूफ कौन? एक जगह है वो जहाँ जा सकती है। जब कोई बहुत दुखी होता है तो वो शांति पाने के लिए अपने घर ही जाना चाहता है। आखिर ये सब करना क्या जरूरी है मेरे लिए? मैं बताता हूँ कि जिंदगी और खेल में खुद पर काबू कैसे रखा जाता है। इस खेल में तो आप हार गए, क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा? क्यों आएगा? कमाल है, मुझे भी अपने जैसा बना दीजिए। हो तो पहले अपनी खूबियां बताओ। सजावट की चीज बनना चाहती हो? केकड़ा नहीं कुछ और बनो। ये सब बनने से कुछ नहीं होगा, कामयाबी चाहती हो तो कुछ और बनकर दिखाओ। मैं भी ठीक हूँ। तो तुम यहाँ कौन चिकी बाबा के यहाँ छिपी हुई थी? हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गए। तो तुम वो बेवकूफ जादूगर हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि ये जादूगर बेवकूफ है या अकलमंद। कौन चिकी चिकी चिकी, कौन चिकी चिकी चिकी। ये जादूगर जादू कर चुका है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये अच्छी बात नहीं। अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। कौन? मैं आज के बाद तुम्हारी हर बात सुनूंगा। क्या ये वाकई नियोन सर है? तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर मैं जरूर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने मैं एक घर जरूर बनाऊंगा। देखना 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 देखना। कितना मुश्किल काम है ये केक बनाना। मैं तो थक गया। तैयार। आओ बचाओ। मैं सबकी मदद करता हूँ, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। इस बदमाश से शुक्रिया मत कहो। सर, आप फिर पहले की तरह करने लगे? इसे देखते ही मेरा दिमाग सही हो गया है। ये तो अच्छी बात। बिल्कुल नहीं, इसमें वाकई कोई अच्छी बात नहीं है। अगर तुमने इसे यहाँ नहीं बुलाया था। नियोन, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, पर जिस तरह तुम हमेशा कौन पर चिल्लाते रहते हो वो ठीक नहीं है। वो लोग जो तुम्हारा साथ देते हैं उनसे अच्छी तरह बात करनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ। क्या इसने मुझे कुछ कहा? किस खुशी में रो रही हो? आपने मुझे मिस किया, आप मुझे लेने आए, आप कितने अच्छे हैं। नहीं मैं नहीं, ये बताओ इस बोतल का ओपनर कहाँ है? इसे खोलने के लिए ओपनर की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो मैं जानता हूँ। अरे वाह, मीको लौट आई।
पता चला भैया? क्या आपकी छोटी बहन आपके लिए क्या क्या करती है? जो आपके प्यारे हैं उन पर ध्यान दीजिए, अगर वो आपके लिए कुछ करें तो तारीफ कीजिए। आज का दिन तो काफी ड्रामा हुआ, कोई रोया कोई हंसा, देखते हैं कल क्या होता है।